हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राज अंसारी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए एक नया वीडियो के साथ। तो आज देखते हैं कि कोई भी गाड़ी हो उसमें से कौन सा आग अलग रहता है, कौन सा एक जैसा रहता है, तो पूरा तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक बार मेरे चैनल में अगर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से पूरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े गाड़ी है, बड़े गाड़ी को आप देख सकते हैं, तो कोई भी गाड़ी आप चला सकते हो, छोटे हो या बड़े हो, सब में एक जैसा रहता है। तो चलिए मैं सबसे पहले जानकारी देता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा स्टेयरिंग है, ये यहाँ पे चाबी से स्टार्ट करने का जगह यहाँ पे दिया गया है इसको। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे मीटर पे नज़र डालते हैं। ये देख लीजिए किलोमीटर है वॉच, और यहाँ पे फ्यूल जो है वो उसका इंडिकेट करता है, और ये काटा जो है वो टेम्परेचर का है। और यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएम मीटर जो है ये आरपीएम मीटर का इंडिकेट करता है। और ये देखिए ये एयर जो है अपना दोनों दो बूस्टर है, वहाँ पे एक बूस्टर का ये हवा इंडिकेटर है वॉच, और दूसरा बूस्टर का ये है, आप देख सकते हैं हवा इंडिकेट करता है कि भरा है या फिर कितना खाली है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो गियर डांडी है वो गियर है, गियर लीवर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखा होगा, लिखा होगा रिवर्स 1 2 3 और फिर 4, और ये दिख रहा होगा आपका 5। तो यहाँ पे आप गियर का डांडी में गियर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये देख सकते हैं, उसके बाद ये सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है वो क्लच है, और ये साइड जो दिख रहा है ये ब्रेक है, और ये एक्सलेटर है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये जो दिख रहा है वो ए बी और ये जो है सी के इंडिकेट करते हैं, एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच। इसी तरह मैं वीडियो पूरा तरीके से लाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं हर नई जानकारी वीडियो लाता रहता हूँ सीखने के जरिए। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।